मैं सौरभ सर आप तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट का एक ही सवाल है कि सर कोरोना इस बार पिछले साल के तरह ज़्यादा फैल रहा है, क्या हम लोग का मैट्रिक का परीक्षा होगा या नहीं, इंटर का परीक्षा होगा या नहीं, बिहार बोर्ड का पूरा डिटेल्स में बता दीजिए क्योंकि पढ़ने में मन लग नहीं रहा है। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेन्स एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप, आज ही डाउनलोड कीजिए। डाउटनट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। 2022 में परीक्षा होगा या नहीं पूरा डिटेल्स में बताएंगे क्योंकि स्टूडेंट बार बार यूट्यूब पर टेलीग्राम पर एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर कोरोना बढ़ रहा है, क्या मैट्रिक इंटर का परीक्षा 2022 में होगा या नहीं, क्योंकि पिछले साल के कंपेयर में कोरोना का इस पर मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। तो देखिए आपको बता दें CBSE इस बार आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया है, लेकिन बिहार बोर्ड आपका फरवरी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था। तो क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं 2022 में, और होगा तो कब तक होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बिहार बोर्ड या बिहार के कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो उसके लिए एक वेबसाइट है stresult.com, वहां पर जितना भी आपका वैकेंसी आता है उसका एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट जॉब अपडेट, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, अभी डमी आया है 10th का, तो सारा लिंक आपको stresult.com पर मिलते रहता है, तो वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिएगा। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2022 में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को बड़ा झटका, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनाया गया है। ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कराए हैं जिससे छात्रों को मोटिवेशन मिल सके और आज से वो तैयारी को अपना बूस्टअप कर दें, क्योंकि छात्र पढ़ नहीं रहे, लग रहा है कि उन्हें 2022 में परीक्षा होगा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इस बार आपका ऐसा बोर्ड है जो सबसे पहले एग्ज़ाम कोरोना काल में भी लिया और रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया है। तो आप ये भ्रम में ना रहें कि मेरा 2022 में परीक्षा नहीं होगा मैट्रिक इंटर का। आपको बता दें इंटर का फरवरी के प्रथम सप्ताह में 2022 में परीक्षा देखने को मिलेंगे, वही मैट्रिक के आप परीक्षा आपका मिड फरवरी मतलब 15 फरवरी के बाद आपको 2022 में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जो जैसे परीक्षा 2021 में हुआ है वैसे ही आपका 2022 में भी होगा। कोरोना काल के चलते प्रश्न पत्र का संख्या दुगुना कर दिया गया है। जो भी आपका प्रश्न पत्र है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव भी मान लीजिए जहाँ 35 बनाना है तो 70 आता है, जहाँ आपको 50 बनाना रहता है वहाँ 100 आता है, तो ये इस बार भी लागू रहेगा 2021 जैसा ही। तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग का परीक्षा 2022 में होगा और तय समय पर ही होगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देखिए 10th का आ गया है, कुछ दिन में 12th का आएगा, उसके बाद जून जुलाई के लास्ट तक आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी फाइनल जारी कर देगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अगर आपका तैयारी नहीं चल रहा है तो उस चैनल पर डेली सुबह में 8 बजे मैथ का क्लास और शाम 7 बजे केमिस्ट्री और मैट्रिक साइंस का क्लास चल रहा है, आप देख सकते हैं। डेली चैनल पर आइए, आप लोग के लिए ही क्लास हम चलवा रहे हैं कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में भी। जो लोग सौरभ सर का गेस्ट लेना चाहते हैं सौरभ सर का गेस्ट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 2022 परीक्षा के लिए आ गया सौरभ सर का गेस्ट, 10th का फी 500 और 12th का फी 550 रखा गया। पेमेंट आपको गूगल पे फोन पे 7903979715 पर करना है। पेमेंट करके आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के। 2021 में चंदन कुमार ने 434 मार्क्स, 2020 में विकी कुमार ने पूरे बिहार में इंटर में सेकेंड टॉप किया था, दिलीप कुमार ने आपको मैट्रिक में 471 नंबर लाया था, उसका वीडियो देखे थे।